नमस्कार स्वागत आपका सेल्फ स्टडी के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि जो ज्ञानव्यापी मस्जिद है आपने सुना होगा काफ़ी ज़्यादा जो इसको लेकर एक हाइप क्रिएट हुई हुई थी या फिर कहीं की कंट्रोवर्सी हुई हुई थी अब यहाँ पर ज्ञान व्यापी मामले में जो कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसने एक फैसला सुनाया है कार्बन डेटिंग को लेकर अभी जैसे आपको पता है कि एक जो ज्ञानव्यापी मस्जिद है वहाँ पर हमें ये इस तरीके का एक शिवलिंग मिला था यहाँ पर न्यूज आई थी अब लोगों ने कहा कि ये शिवलिंग है और यहाँ पर बात आई कि जो ये स्ट्रक्चर यानी जो शिवलिंग जो मिला है इसकी यहाँ पर जो है कार्बन डेटिंग की जाए अब कार्बन डेटिंग करने से पता चलेगा कि ये जो शिवलिंग यहाँ पर मिला है तो इनकी एज क्या है कितना पुराना है जिससे पता चलाया जा सके कि अब वास्तव में ये शिवलिंग ही है और ये ज्ञान मस्जिद ना होकर ज्ञान मंदिर था तो ये सब चीजें जो है यहाँ पर करने के लिए बोली गई थी और इसको लेकर जो कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसने एक फैसला सुनाया है तो अब बात करते हैं कि क्या ज्ञानव्यापी मामले में जो कार्बन डेटिंग है वो होगी या नहीं और फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे ये कार्बन डेटिंग होती क्या है क्या इससे सच में पता लगाया जा सकता है जो नॉन लिविंग लिविंग थिंग्स थिंग्स हैं हैं या फिर है, उनकी एज का क्या कार्बन डेटिंग से पता लगाया जा सकता है जैसे कि हम कहते हैं कि धरती की उम्र पांच अरब साल है तो ये पता कैसे चला तो इन तमाम बातों को हम अपनी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पीडीएफ के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा तो जाकर आप वहाँ से इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखिए हाल ही में जो वाराणसी के एक जिला यानी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहां पर जो मस्जिद के अंदर जो पाया जाने वाला एक एक विवादित इन्होंने वाले स्ट्रक्चर कहा है तो यहाँ पर कहा गया है कि उसकी कार्बन डेटिंग की जो एक तरीके से याचिका थी उसको खारिज कर दिया मतलब कि कहा कि नहीं नहीं कर रहा है तो ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उन्होंने तो अभी फिलहाल जो है इस चीज को मना कर दिया है अब बात करते हैं कि कार्बन डेटिंग होती क्या है देखिए कार्बन हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है इंसान हो गया जीव जंतु हो गया वो कार्बन से ही तो बने होते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जान लीजिए कार्बन है क्या कार्बन डेटिंग पे तो हम बाद में जाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल तो जानेंगे कार्बन क्या है तो आपको समझ में आए होगा कि कार्बन जो है वो इंसान हो गए या जीव जंतु हो गए सब चीजें जो है वो कार्बन से बनी हुई है और कार्बन डेटिंग से पेड़ हो गया चमड़ी हो गया बाल हो गया कंकाल हो गया इन जैसी वस्तुओं की जो उम्र है उसके बारे में हमें पता चलता है उसके बारे में हम पता लगाते हैं तो अब बात करते हैं कि कार्बन डेटिंग क्या होती है देखिए कार्बन डेटिंग एक तरीके से एक वाइडली एक मेथड है वाइडली यूज एक मेथड है जिसका उपयोग किया जाता है कि कार्बनिक पदार्थों की आयु को स्थापित करने के लिए मतलब कि जिसका यूज किया जाता है जो कभी चीज़ें जो जीवित थी उनकी एज का पता लगाने के लिए और जीवित चीजों के अंदर ध्यान रखना यहां पर बोला गया है जो लिविंग थिंग्स हैं लिविंग थिंग्स की बात हो रही है नॉन लिविंग थिंग्स की बात नहीं हो रही नॉन लिविंग थिंग्स की हम अलग से बात करेंगे तो लिविंग थिंग्स के अंदर जो है कार्बन जो है वो अलग अलग आ, मतलब विभिन्न रूपों में पाया जाता है तो इसको समझिए यहां पर देखिए हमारे वायुमंडल में कार्बन के तीन आइसोटोप मिलते हैं ध्यान रखना कितने आइसोटोप मिलते हैं तीन आइसोटोप मिलते हैं हमारे सामने किसके कार्बन के

मैं ये बात फिर से दोहरा रहा हूँ मैं आपको समझाने की बात कर रहा हूँ कि आइसोटोप क्या होते हैं देखिए आइसोटोप जो है हमारे वातावरण के अंदर या हमारे वायुमंडल के अंदर क्या है कि कोई भी जो चीज है वो किससे बनी होती है वो अणु से बनी होती है हर चीज जो होती है वो अणु से मिलकर बनी होती है और अणु जो है वो किससे मिलकर बने होते हैं वो परमाणु से मिलकर बने होते हैं परमाणु जिसमें दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक भी जो है परमाणु हो सकते हैं जिसे हम इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन भी कहते हैं तो अब मुझे समझ में उम्मीद है कि आप लोगों को यह समझ में आएगा कि आइसोटोप क्या है अभी मतलब कि ये जो अणु और परमाणु बोले ये क्या है आइसोटोप पे तो अभी आने वाला हूं देखिए आइसोटोप वो परमाणु होते हैं जिसमें प्रोटॉन की संख्या एक समान होती है फिर से समझिए जो आइसोटोप क्या है आइसोटोप वो होते हैं जिनमें परमाणु की संख्या क्या होती है एक समान वो परमाणु होते हैं जिसमें प्रोटॉन की संख्या एक समान होती है तो आप देखिए मैंने आप लोगों के लिए यहां पर एक डायग्राम भी लेके आया ये देखिए ये C12 हो गया C13 हो गया C14 हो गया यानी कार्बन 14 कार्बन 13 कार्बन 12 तो यहां पर अगर आप प्रोटॉन की अगर संख्या देखें तो छे, छे और छे। और न्यूट्रॉन की अगर आप संख्या देखें यहां पर छे है यहां पर सात है और यहां पर, पर आठ है तो न्यूट्रॉन की संख्या अलग होगी और प्रोटॉन की संख्या सेम होगी तो उसको क्या कहते हैं आइसोटोप कहते हैं उम्मीद है आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी अब फिर से आते हैं मैंने कहा हमारे वायुमंडल में जो है वो C12 C13 C14 ये तीन आइसोटॉप मिलते हैं कार्बन के जिसमें ये जो दो हैं C12 और C13 इनको स्टेबल आइसोटॉप कहा जाता है और C14 जो है इसको रेडियो एक्टिव कहा जाता है रेडियो एक्टिव यानी कि अनस्टेबल कहा जाता है अनस्टेबल क्यों क्योंकि ये घटता रहता है टाइम पीरियड के साथ तो जो वातावरण है उसके अंदर C12 बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और C12 और C14 के बीच में जो है वो एक रेशो रहता है कि भाई इतना फॉर मर... एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि तीन रेशो तीन रेशो दो ऐसे में समझाने के लिए बोल रहा हूं तो ये कार्बन ट्वेल्व है ये कार्बन फोर्टीन है तो ये एक तरीके से रेशो में रहता है कम ज्यादा के रेशो में रहता है तो अब ये तो स्टेबल है स्टेबल मतलब कि घटेगा नहीं तो यहां पर सी और सी अब क्या है देखिए हमारे वायुमंडल में तो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है सी ट्वेल्व अब जो वायुमंडल है कार्बन से ही तो बना हुआ है मैंने जैसे आप लोगों को बताया अब जो पेड़ पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपको पता है अवशोषित करते हैं मतलब लेते हैं कहाँ से लेते हैं वातावरण से लेते हैं फोटोसेंथेसिस से लेते हैं अब पेड़ पौधों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वहां से चली गई और जो जीव जंतु हैं उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से चली गई उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड चलेगी जमीन से वो खाना खाते हैं तो फूड से उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड चलेगी और यहाँ पर आप देखिए कार्बन डेटिंग जो है वो टेक्निक जो है उसका उपयोग जो है वो चट्टानों या फिर कहें कि जो निर्जीव चीजें उनकी आयु निर्धारित करने के लिए नहीं किया जा सकता इस चीज़ को ध्यान रखना इन्होंने कहा है कि जो नॉन लिविंग थिंक है उसको हम उसकी एज अगर हमें पता करनी है तो उसको हम कार्बन डेटिंग से नहीं उसका पता लगा सकते हैं कार्बन डेटिंग से तभी हम पता लगा सकते हैं अगर किसी चीज़ में कार्बन मौजूद है उसकी भी मैं आपको टेक्निक बताऊंगा कि कैसे और देखिए साथ ही साथ 40 से 50 हजार से अधिक पुरानी चीजों की आयु कार्बन डेटिंग के माध्यम से नहीं आंकी जा सकती ऐसा इसलिए है क्योंकि देखिए आधे जीवन के 8 से 10 चक्र के बाद जो C14 है उसकी मात्रा लगभग बहुत कम हो जाती है और लगभग पता लगाना मुश्किल हो जाता है मतलब पता ही नहीं चलेगा अभी देखिए कैसे यूज होता है देखिए 500 से 5000 50000 साल पहले जो पुराने जीवाश्म पुरातात्विक नमूनों के डेटिंग के लिए बहुमुखी तकनीक साबित हुई थी कार्बन डेटिंग और इस पद्धति का जो व्यापक रूप से जो जियोलॉजिस्ट हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ किया इवन इन्वेस्टिगेटर्स हैं उन्होंने सी फोर्टीन का बहुत ज़्यादा यूज़ किया कार्बन डेटिंग का कार्य देखिए आपको मैंने बताया कि हमारा वातावरण जो वो या फिर कहें कि हर जीव जंतु इंसान हो गए या फिर पेड़ पौधे हो गए वो कार्बन से बने हुए होते हैं अब चूंकि जो पौधे हैं या जानवर हैं वो कार्बन जो है वो वायुमंडल से प्राप्त करते हैं C12 और C14 जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि एक रेशो के अंदर रहती है अब जो वो ये पेड़ पौधे हो गए या जानवर हो गए वो कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन जो है वो अवशोषित करते हैं तो वो उसी रेशो में प्राप्त करते हैं जिस रेशो के अंदर वो वातावरण में उपलब्ध होती है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से तो पौधे अपना कार्बन प्राप्त करते हैं और जानवर जो है या एनिमल जो है वो मुख्य रूप से भोजन के माध्यम से अपना कार्बन प्राप्त करते हैं जब मान लो कोई पेड़ पौधा या फिर कोई जानवर जो वो मर जाता है तो उसका वातावरण से जो एक तरीके से आप समझिए इंट्रैक्शन जो वो खत्म हो जाता है अब जैसे वो इंट्रैक्शन खत्म होता है तो सी ट्वेल्व वो तो स्टेबल है वो तो उसके अंदर रहेगा लेकिन सी फोर्टीन जो है वो रेडियो एक्टिव है यानी कि अनस्टेबल है ये घटेगा लगभग पांच वर्षों में ये अपनी आपका आधा रह जाता है मान लो आज दो था कार्बन C14, वो पांच हजार तीन सौ तीस साल पहले मैं एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूँ आज एक रह गया यानी अपनी वैल्यू का वो आधा हो जाता है जिससे इसके आधा जीवन यानी कि इसको यहाँ पर आपको ध्यान रखना हाफ लाइफ हाफ लाइफ किसको कहते हैं भाई कार्बन डेटिंग कार्बन सी की अपनी एज का आधा हो जाना किसी पौधे या जानवर के मरने के बाद उसके अवशेषों में सी ट्वेल्व और सी फोर्टीन के बदलते अनुपात से मापा जा सकता है अभी देखिए सी फोर्टीन तो घट रहा है सी ट्वेल्व स्टेबल है अब देखिए जैसे जैसे घटेगा तो उससे पता लगाया जा सकता है कि इसकी जो मृत्यु है कितने टाइम पहले हुई थी इसकी एज क्या है तो यहाँ पर इससे पता चल जाता है तो एक तो चीज हमें पता चले कि आइसोटोप क्या होते हैं सी ट्वेल्व सी फोर्टीन सी थर्टीन क्या होते हैं स्टेबल है या फिर अनस्टेबल हैं कैसे एज का पता लगाया जाता है आई होप सो इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी

कुछ टाइप के मेथड होते हैं जैसे पोटाशियम आर्गन डेटिंग होता है इसके अंदर क्या होता है देखिए रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो पोटाशियम जो है वो आर्गन में बदल जाता है आइसोटोप किसका पोटाशियम का कुछ समय बाद आर्गन में बदल जाता है और जो ये रेशो के अंदर जैसे बदलाव आता है उससे एज का पता लगाया जाता है तो एक टेक्निक ये होगी हमारे सामने दूसरी टेक्निक होती है हमारे सामने यूरेनियम थोरियम लेड डेटिंग इसमें क्या होता है यूरेनियम

आपको एक टेक्निक समझाने की कोशिश की कि कार्बन डेटिंग से कैसे किसी की एज का पता लगाया जाता है तो वीडियो पसंद आई तो बेशक इसको लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और पीडीएफ के लिए मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम एक लिंक दिया मिलेगा तो जाकर आप वहां से इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन ओपन रहता है तो वहां पर भी बता सकते हैं कि आपको क्या समझ में आया या फिर क्या नहीं आया अपने डाउट्स वहां पर लिख सकते हैं तो बस आज के लिए इतना था थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो